पहला तो जी सारे ने राम राम भाई, मैं आपका अपना भाई सोनू चनालिया आज है 475 यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। तो आज हम आए हैं भाई, आप ते बतावेंगे भाई किसे के नाक में कीड़ो, कान में कीड़ो, दांत में कीड़ो, उसकी दवाई नहीं मिलती। उरा बाबा जी बताएगा भाई के रोल है दिमाग में कीड़ो जिसके उसकी दवाई मिलेगी। हाँ जी बाबा जी बोल दो। राम राम। राम राम जी। अच्छा ये दिमाग के कीड़े वाला रोला के है जी? ये जो कीड़ा है ना जी, ये इस ये बालों को लग जाए जी, कट्टन सिर में टाकियाँ पड़ जाएँ, दाढ़ी में पड़ जाएँ जी, ऐसा ऐसा सारे बाल साफ हो जाने। ये जो हम अपना जड़ी अपना और डाला ना, इससे दिमाग का कीड़ा और कहीं भी हो वो खत्म हो जाए जी, बाल आने शुरू हो जाए। अच्छा इस कीड़े ते नू भी सुना कि पूरे शरीर के ही बाल उड़ जाए जी? ये कीड़ा ऐसा ना जी, इससे ना कई बार सारे शरीर के ही बाल साफ हो जाएँ, बिल्कुल ऐसा हो जाए जी जैसा एक चूहा हो। अच्छा यहाँ आपके पास कहाँ कहाँ दे बंदे आए इंडिया में थे? देखो जी यहाँ बम्बे तक के आवा लड़के, तो चंडी चुंडीगढ़ आवा ना वो पढ़ने मतलब, के लिए आते हॉस्टल। हाँ हॉस्टल में पढ़ने, उनको कोई बताया दे अभी तेरा टाकी पड़ रही, तेरे दाढ़ी के उड़ रहे, सिर में उड़ रहे, तुम बन जा रहा भी महा सी, और तू चला जा गाँव फटौली में महा, एक दो बारी अपना तेरा दवाई डाल लेंगे, बिल्कुल ठीक हो जाएगा, वहीं से ठीक हो। अच्छा एक बार अपना एड्रेस बता दो जरूर यहाँ का। देखो जी हमारा पता है गांव फडोली, जिला अम्बाला, तहसील अम्बाला, मोड़े के पास है जी, ये मोड़ा मोड़ी के बीच में है, जीटी रोड से सिर्फ आधा किलोमीटर दूर है। अच्छा जी। हाँ। अच्छा आप कहाँ से आए जी दवाई पौने? मेशनगर अम्बाला कैंट से आए हैं जी। अच्छा मुझे किसी ने बताया था, वैसे कोई सैनी था लड़का, उसने देखा कह रहा अंकल आपके ये क्या होया हुआ ये, तो अच्छा तो क्या बात होगी थी आपका? पता नहीं बस खारिश सी मचती थी, ऐसा लगता था कुछ चल रहा है, तो बस वो ऐसे करता था, हाथ में बाल आ जाते थे, फिर उन्होंने बताया तो फिर मैं ढूंढता ढूंढता यहाँ आया, तो साथ में जो है ये भाई हमारे छोटे बैठे हैं, हम दोनों मैंने इनको भी देखा, ये कह रहे चलो जी, तो मैंने 3 बार दवाई डलवाई है जी, उससे मेरे आपके सामने ही है बिल्कुल दाढ़ी, ये साफ था, ये साफ था पूरा, ये बिल्कुल ठोडी बिल्कुल चिकनी थी जी, जैसे मतलब जो हथेली होती है, तो मैंने कईयों को बताया, जिस जिस को मैं लेके आया, ऑफिसर भी आए हैं, पुलिस मुलाजम भी आए हैं, तो उनको सबको आराम है, ये पता नहीं ये बाबा जी की कृपा है या सैनी साहब का आशीर्वाद है या इनका मतलब जो मेहनत है इनकी। अच्छा 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 जी, तो यह जड़ी कहाँ की बनावा के रोड़ा है? ये जंगल में हुआ जी एक बुट्टी। अच्छा उसको वहाँ से पाड़ लिया जी, उसको बिल्कुल पीस के कोड़ के उसमें मिक्स कर दें, मिलाए लें। अच्छा हाँ जी, बाकी जो है वो किसी साधु संत ने ना बक्ते दियो ही, दादा जी को दी थी मरते थे हम, वो मेरे को दे गए जी। अच्छा हाँ जी, वो बक्ते भी है उसी टाइम बताया जी, तो उनको आंखों से दिखना बंद हो गया जी, वो मंजे पर बैठ गए, फिर उसने कहा आ बेटा पोते मेरे, उसने मेरे सिर पर हाथ रख कर और ये बख्शीश मेरे को दे दी। अच्छा उस दिन से फिर आप दवाई दे रहे? उस दिन से कम मेरे को 60 साल हो गए जी। अच्छा 60 साल हो आप यहाँ पे दवाई पे रहे? हाँ जी। अच्छा हाँ। जो आवा यहाँ पे वो पैसे पूसे ले का देखो आवा जी, देखो जी पैसे कुछ नहीं, अपनी मर्जी से परमात्मा के लिए चाहे 2 पैसे रखे दो, चाहे 4, चाहे ना भी रखो, वो प्रसाद के तौर पर आए। अच्छा चाहे आते हुए प्रसाद मिले आन सका जी, ठीक जैसे कुछ भी है। अच्छा फ्री सेवा है? फ्री सेवा। अच्छा मरीज की अपनी मतलब तसल्ली है कि भी मैंने प्रसाद के लिए 1 पैसा चढ़ा दिया, 2 पैसा चढ़ा दिया, या अपनी जो है सामर्थ्य अनुसार जो मर्जी कर दे, तो भंडारा कर देंगे, प्रसाद बांट देंगे लोगों में। सही है बात है। तो भाई आपने पूरी बात बता दी भाई, जड़ी का के रोड़ा है किस तरह 3 बार पुआनी, यहाँ ना कोई पैसा नहीं, वो अपनी इच्छा अनुसार है जो मर्जी दे सका आप, नहीं है बाबा जी? हाँ जी हाँ जी नहीं है जी। अच्छा हाँ। एक बार और अपना एड्रेस बता दो जी सही, अम्बाला दे किस तरह आना के कर है? देखो जी अम्बाले कैंट से तो इधर शाहबाद की तरफ आना पड़ा जी। अच्छा जी अपनी जो दिल्ली रोड है ना हाईवे, उससे ना मोड़ा है, मोड़े से ना जो अपना बर्गरवार है ना बना हुआ, वहाँ से रास्ता है रहा सीधा गांव फडोली। अच्छा जी। बोर्ड लगाया है जी। अच्छा। अपना पूछ भी सका जी, मारे को फडोली जाना है, लाभ सिंह मेरा नाम है जी। सैनी है जी, और बाकी गोमे किसी से पूछ लो जी। ठीक है, यो भी रोला है कि उस दिन दुआई पड़ेगी उस दिन ना, ना पड़ेगी, जब मर्जी आ जाओ जी, आपकी इच्छा है, ना दिन का विचार, ना कोई परहेज, कुछ नहीं, ना कोई बहम के पास हम जहाँ जी,
ना कुछ करना जी। अच्छा, कुछ नहीं करना, बस परमात्मा के लिए प्रसाद है, चाहे एक पैसा रखो चाहे दो रखो। जुकाम है ना जी, पुराना जुकाम है, किसी खांसी है, बच्चों के, जवान बच्चों के, लड़कियों के जैसे बाल झड़ जाते हैं वो भी है, टांकियां भी हैं, तो गले के हिसाब किताब से भी, यानी मस्तिष्क में के हिसाब किताब से जो शरीर की बीमारी है। मेरा मानना तो ये भी है भाई, कोरोना के ऊपर भी इसका असर है। अच्छा जी, यो जो जुकाम है पुराना, यो देखो जी, जिसको 12 महीने जुकाम रहता वो भी ठीक हो जा। अच्छा, जिसका बूढ़ो बढ़ेरो कोई ऐसा कुछ हो जी, उम्र का कोई हिसाब नहीं जी। अच्छा, बच्चे से लेकर बूढ़ो तक है ये, लेडीज हो जेंट्स हो कोई है जी। बाकी जिसको 12 महीने छींका लगते हैं, छींची छींची कर जाता, वो भी ठीक हो जा जी। दवाई अलग आया, यही 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 जड़ी है जी, जिसका आधा सिर दुखता हो जी वो भी ठीक हो जा जी। अच्छा, इसी जड़ी दे बाल भी आ जाएंगे, अर्ज खाम हो उसमें भी सही रहेगी। दे इसको हम अपना डालाना, ये दिमाग में जाना सीधी, ये कई रोगों को दूर करती चली जा रही। अच्छा जी, कहने का मतलब ये है। ठीक है भाई, तो भाई एक बात और बताई भाई, जिसका बहुत पुराना जुकाम हो उसका भी राम हो जाएगा। तो ठीक है जी, सारे ने राम राम, वीडियो ना शेयर कर दियो, लाइक कर दियो, कमेंट कर दियो, चैनल ना सब्सक्राइब कर लियो। राम राम। ऐसा है जी।